आप लोगों ने सुना जरूर होगा कि कुछ स्टूडेंट हैं जो दिन रात पढ़ते हैं, दिन रात पता नहीं क्या पढ़ते हैं, और उनकी बैग भी आती है। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऐसे स्टूडेंट सेमेस्टर एग्जाम में चाहे जितना पढ़ाई कर लें फेल जरूर होते हैं। और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और पहली बार चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, चैनल को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो सेमेस्टर एग्जाम है ना, बहुत सारे लोग हैं पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम को बहुत हल्के में लेते हैं। हल्के में मत लीजिए, सेमेस्टर एग्जाम टफ होता है। सेमेस्टर एग्जाम पहले जितना चीज़ें आसान थी अब उतना नहीं, डे बाय डे सारे सेमेस्टर एग्जाम टफ होते जा रहे हैं। ऐसे में जो स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं आधी बुक पढ़ करके, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं एक यूनिट, दो दो यूनिट या तीन यूनिट पढ़ के हम पास हो जाएंगे, गाइस आपका ये भ्रम है कि हो सकता है कि दो यूनिट पढ़ने के बाद आप 40 नंबर का कर ले जाओ और सोचो पास हो जाओ। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, 100 नंबर का पेपर है या 50 नंबर का पेपर है, 100 नंबर के पेपर में अगर 50 नंबर ही आप अटेम्प्ट करते हो, आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 50% ही है, एक बात जान लो। क्योंकि इंजीनियरिंग में कॉपियाँ भी बहुत टफ चेक होती हैं, और थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों का अलग अलग अपना डिवीजन है। हमेशा मैंने बोला है कि जब भी आप सेमेस्टर एग्जाम दीजिए न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन जो है आपके करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएगा। चीज़ें वहाँ पे आपके लिए बहुत ट्रांसपेरेंट होंगी, चीज़ें निकल करके आएंगी, और बहुत सारी चीज़ें गाइज आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। सो आप न्यूमेरिकल पोर्शन पर फोकस करेंगे तभी जा करके आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज गाइज आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ेंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सो सेमेस्टर एग्जाम का एक प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए। आप पढ़ कितना रहे हो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप लिख कितना ला रहे हो सेमेस्टर एग्जाम में वो ज़्यादा मैटर करता है। कई सारे स्टूडेंट बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, मैंने देखा कि 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ाई करते हैं, और सेमेस्टर एग्जाम में वो लिख ही नहीं पाते हैं, वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं या पता नहीं क्या हो जाता है उनको। मतलब अगर आप पढ़ते हो, याद करते हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एग्जाम में लिख नहीं पाते हो, तो उस पढ़ाई को पढ़ाई मत मानिए। आप समझ लीजिए वो जीरो है, आप दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। और इंजीनियरिंग में दिखावा मतलब समझ लीजिए आप अपने करियर के साथ धोखा, अपने आप के साथ धोखा, बहुत सारी चीज़ों के साथ धोखा कर रहे हो। सो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सोच समझ करके आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप सोच समझ के एनालिसिस नहीं करोगे तो उस गेम में फंस जाओगे, और जहाँ से निकलना आपके लिए बहुत 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 मुश्किल हो जाएगा। सो सेमेस्टर एग्जाम को आप प्रॉपर वे में और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। सेमेस्टर एग्जाम में देखो, मैं बार बार बोलता हूँ कि न्यूमेरिकल पोर्शन और डेरिवेशन पर ज़्यादा फोकस करिए। न्यूमेरिकल पोर्शन और डेरिवेशन अगर सही हुए तो आपने 50 नंबर का किया तो 50 मिल जाएंगे, लेकिन आप सोचो थ्योरी और गाथाएं लिख करके आप सेमेस्टर एग्जाम में नंबर ले लोगे तो नहीं ले पाओगे, ठीक है। पढ़ो उतना ही जितना आप कर सकते हो, पूरा सिलेबस कवर अप करने के। अब हम लोग जब इंजीनियरिंग बीटेक कर रहे थे तो बहुत सारे स्टूडेंट थे पूरा सिलेबस मेरे से भी बेटर बेटर कर लेते थे, लेकिन एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते थे, एग्जाम में उनके क्वेश्चन छूट जाते थे, शायद स्पीड अप नहीं होती थी, शायद वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते थे, वो सारी चीज़ें बहुत इशू होती है। सो मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप मैनेजमेंट अच्छे से करते हो, चीज़ें मैनेज करके लेके चलते हो, तो कहीं ना कहीं लाइफ में चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी और पॉजिटिव तरीके से काम करेंगे। सो गाइस वीडियो में इतना ही, होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो लोग टेलीग्राम पे वहां पे भी जाके जुड़े, जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दिया है, एक बार जाकर के जरूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।